आज मैं इस वीडियो में डेवलपर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊँ। तो जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं या हमें किसी वेबसाइट का क्लोन बनाना होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कलर ढूंढने की, कि जो कलर उस वेबसाइट में यूज हुआ है उसका नाम क्या है और उसका कोड क्या है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी एक्सटेंशन लेके आऊँ जिसका यूज करके आप चुटकियों में कलर का पता कर सकते हैं और इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको वो एक्सटेंशन बताता हूँ। तो उस एक्सटेंशन का नाम है कलर जिला। इस एक्सटेंशन को आप अपने ब्राउजर में ऐड कर लेना। तो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है, तो जब भी आपको यूज करना होगा आप इस एक्सटेंशन को सेलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी कलर के ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि हमको चाहिए रेड कलर, तो रेड कलर पे आके आपको लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा और जहां भी आपका कोड लिखा हुआ है वहां पे जाके आपको उसको पेस्ट कर देना है उस कोड को। जो कलर हमने वहां से कॉपी किया है वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इस ट्रिक का यूज करके आपका काफी टाइम बचेगा। बाकी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना।